सबको जानते कि मेरा नाम काजल है और ना मैं 3 मार्च से मतलब मार्च में जुड़ी थी मैं इस चर्च से। पहले जैसे अभी दीन ने बताया था कि सब धक्के खाकर आए यहाँ पर, तो हमने भी बहुत धक्के खाए, जहाँ जहाँ तक बताया वहाँ वहाँ तक हम गए, भाई को भी लेकर मम्मी को भी लेकर। भाई की तबीयत खराब थी तो हम यहाँ पर आए, तो तब से मेरा भाई भी ठीक है। और उसके बाद फिर एक बेबी था, 6 मंथ का हुआ था बेबी, और वो चाचा नेहरू में एडमिट था। उसके बाद ये था कि कभी वेंटिलेटर कभी सादा ऑक्सीजन, मतलब मैं भी कंफ्यूज और भी रो रही थी उस टाइम। तो मैंने पास्टर जी को कॉल की, पास्टर जी ऐसे से बात है, पास्टर जी ने कहा सिस्टर टेंशन मत लो, बेबी ठीक हो जाएगा। उन्होंने पानी प्रे किया और मैं उस आईसीयू में तो निकू में तो ले जाने की परमिशन नहीं थी, लेकिन मैं छोड़ी से उसे बॉटम में करके लेके जाती थी। एक बार सिस्टर ने भी देखा कि तुम ये क्या कर रही हो, फिर उन्होंने सपोर्ट किया, चलो कोई नहीं कैसे भी ठीक हो जाए बच्चा। 6 मंथ का था वो बेबी। और फिर उसके बाद बीच में फिर प्रॉब्लम हुई, फिर पास्टर जी ने पानी प्रेयर किया और फिर धीरे धीरे मतलब उसकी रिपोर्ट भी नॉर्मल आती रही। और सब इस बात का ताजुब करते थे कि ये बच्चा हमारे बाद आया और सबसे पहले नॉर्मल मतलब सारा उस पर आ गया, कोई मशीन नहीं चाहिए। और बेबी का ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा, अच्छे अच्छा ऑपरेशन हो गया, वरना डॉक्टर ने बोला था कि जान भी जा सकती है, ये हो सकता है वो हो सकता है, डरा दिया था। लेकिन मैंने पास्टर जी को कॉल की तभी, पास्टर जी ने बोला ठीक है सिस्टर करने दो सब अच्छा होगा। और फिर उसके बाद हमारे घर पर प्रेयर हुई थी, अभी पहले बंद था, लेकिन जैसे ही हमारे घर पर प्रार्थना हुई ना, जो कॉल रुकी हुई थी वो कॉल फिर से पापा को आने लगी, पापा काम बंद के गए और भाई ने भी अपना काम शुरू कर दिया, प्रेस लगा ली स्टीम प्रेस घर के नीचे मतलब अपने उसमें। एक साथ से वो रूम मतलब खाली था नीचे, लेकिन जब अपना काम सोचा तो जब रेंट वाले भी आने लगे, कोई 15 कोई 20, लेकिन हमने सोचा हम तो अपने काम करेंगे। जब एक साल से कोई नहीं आया और अब हम सोच रहे हैं यीशु मसीह की मर्जी है कि हम अपना काम करें, हालेलुया। तो हमने अपनी स्टीम प्रेस नीचे ही घर के लगा दी और पास्टर जी ने बोला अच्छा चलेगा काम, ये आप कर लो सिस्टर। पास्टर जी ने प्रेयर भी की थी इस काम के लिए। सबको जय मसीह की।